हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ इडली, जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुई है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगी जो आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही पहली बार में बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो मैं अभी करूँगी मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए मैंने कप लिया है, आप चाहे तो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं अपने मेम्बर के हिसाब से। तो हमें मेजरमेंट यही रखना है कि 3 कप चावल और 1 कप धुली हुई उड़द की दाल, ये मेजरमेंट होता है इसका। तो अभी इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी 2 से 3 बार। हमें अच्छे से वॉश करना है, जो भी इसकी गंदगी है वो हमें निकालनी है। और इसके अंदर बिल्कुल दूसरा पानी डालकर हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगने के लिए रख लेंगे। और अभी मैंने दूसरा पानी डालकर इसको 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए मैंने रख लिया। अभी 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और हमारे दाल चावल है वो अच्छे से फूल चुका है। और अभी इसको हम पीस लेंगे। तो इसको भी हम पीसने से पहले इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसको हम पीसेंगे। तो ये मैंने कुछ उबला हुआ चावल लिया है, यही एक पहली ट्रिक है, मैं बताऊँगी आपको। तो जो चावल और दाल हम जार के अंदर डाल लेंगे और साथ में ही हम इसके अंदर जो उबला हुआ चावल है वो डाल लेंगे। इससे क्या है, जो इडली है, इडली का जो घोल है वो बहुत अच्छा सा बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। इसे इडली सॉफ्ट बनती है। अगर आपके पास उबला हुआ चावल नहीं है तो आप पोहा ले सकते हैं। पोहे को 2 मिनट के लिए भिगो ले और आप इसके अंदर डाल के पीस ले। ये ट्रिक हमें ज़रूर यूज़ करनी है। इसे बहुत ही सॉफ्ट घोल बनकर तैयार होता है और इसी से हमारी इडली फूली फूली बनती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट किया है। दूसरी ट्रिक यही है कि हम तैयार कर लेते हैं चटनी। तो चटनी के लिए मैंने एक मीडियम प्याज लिया है। प्याज को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। प्याज और मैंने इसमें डाला था 2 हरी मिर्च। और अभी मैंने कुछ नारियल लिया है, नारियल को मैंने अच्छे से छील लिया है। और थोड़ा सा मैं लूँगी मूँगफली का दाना, थोड़ा सा मैं भुना हुआ चना और थोड़ा सा मैंने लिया इमली का पेस्ट। तो हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो वो डाल लिए, आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी चटनी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इससे क्या है टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। और इसके अंदर मैंने नारियल डाल लिया और मूंगफली डाल ली और चना भी डाल लिया है और साथ में इमली का पेस्ट डाल दिया। और अभी इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, मिर्च ऐड करेंगे, वो हम टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि नमक मिर्च तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। और अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा चटनी बनेगी। और अभी इसको मैं पीस लूँगी। तो देखिए आप, मैं चटनी को पीस लिया है और अभी इसका हम तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का के लिए मैंने पैन लिया है, उसके मैं अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। मैंने ऑयल सरसों का डाला है, आप चाहे तो रिफाइंड या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे राई। राई से इसका टेस्ट अलग ही बनता है। और साथ में हम डालेंगे करी पत्ता और मैंने 1 लाल मिर्च डाला है। इनको सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी कि पत्ता और मिर्च हमारे अच्छे से भुननी चाहिए। तो इन सबको मैंने फ्राई कर लिया और अभी इसके अंदर हम चटनी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर तड़का ही लगाना है, हमें इसको चटनी को ना पकाना नहीं है। चाहे तो आप अलग से भी इसको चटनी के अंदर भी आप इस मसाले को डाल सकते हैं। तो हमारा चटनी भी बिल्कुल बनकर रेडी है। इसको हमें मिक्स कर लेना अच्छे से आप, और आप देख सकते हैं कितना इसका अच्छा सा कलर आया है। तो आप ये चटनी ज़रूर बनाएं, इडली के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी जो हमारा बैटर था वो रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया था इसके अंदर नमक डाल के, तो वो हमारा अच्छे से फूल चुका। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा था और कितना ये ज़्यादा हो चुका है, ऊपर तक भर चुका है। इसके अंदर कोई सोडा ऐड नहीं करना है। और साथ में जो मोल्ड है उनको मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और साथ में ये बैटर इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी इडली बनकर तैयार होती है। सिर्फ 2 ट्रिक का ध्यान देना हमें। और इसको मैं अभी भर के गैस पर रख लूँगी और गैस को हमें 10 से 12 मिनट के लिए चलाना है। तो
तो इसके लिए दो ट्रिक यूज़ करनी है जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो जब हम पीसते हैं तो इसके अंदर उबला हुआ चावल यूज़ करना है, और दूसरा इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। इसके अंदर थोड़े से भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए। और 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं चेक करती हूँ। तो मैंने ये कांटे वाला चम्मच लिया है, इसके सहायता से मैं चेक करूँगी। तो देख सकते हैं इसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। और अभी इसको हम गैस से उतार लेंगे। हमारी इडली बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कैसे फूली फूली और स्पंजी बनी है। इसको हम अभी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए निकल भी आसानी से जाती है। इन सब को हम साइड में अभी निकाल लेंगे और साथ में चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो अगर आप पहली बार भी इडली बना रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। एक तो चावल पर ध्यान दें, उबले हुए चावल डालना है, साथ में हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। ये दो ट्रिक इसको बनाने के लिए। साथ में मेजरमेंट का हमें 3 कप गिलास चावल लेना है, तो हमें 1 गिलास उड़द की दाल धुली हुई लेनी है। ये ज़रूर हमें ध्यान देना है। इसी से हमारी इडली स्पंजी और सॉफ्ट बनती है। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पंजी और सॉफ्ट बनी है। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।